Welcome to Shalini Mukesh Shublikar channel. Today I am going to teach you Environmental Studies Part 1, Standard 4. Lesson number 1, the life cycle of animals. अभी animals का जो life cycle है वो किस तरह से है इसके बारे में हम लोग इस lesson में पढ़ने वाले हैं. Can you tell, क्या आप लोग बता सकते हैं? अभी ये picture दिखाया पे, एक picture में एक डॉगी है और उसके पपीज है, ठीक है? और यहाँ पर एक पिक्चर बताया गया है, ये बटरफ्लाई है और ये है उसका बचपन कैटरपिलर, ठीक है? और ये बड़ा वाला है बटरफ्लाई. तो अभी इन्होंने यहाँ पर आपको सवाल पूछे हैं, look at the puppies and their mother, पपीज को देखो और उनके मम्मी को देखो. In the picture, do you see some similarities? क्या ये दोनों आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना? दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, इसके भी दो कान है, बच्चों के भी दो कान है, एक नाक है, मुंह है, चार पैर है, पूंछ है, बच्चों को भी सब है ना, बराबर से देखा आप लोगों ने पिक्चर, ठीक है? तो क्या है, सिमिलैरिटीज है. नाउ लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग. Do you see any similarities? अभी ये है caterpillar. ये जो butterfly के जो अंडा होता है वो अंडे में से ये caterpillar बाहर आता है पत्ते के ऊपर, तो उसका शेप ऐसे रहता है, ठीक है? फिर वो इस तरह से बनता है. लेकिन अभी ये लोग हम लोग को एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? तो नहीं, ये caterpillar बहुत अलग है, ये बटरफ्लाई का शेप जो है वो बहुत ही अलग है. कैन यू टेल, ये देखो, ये है हैन और ये है उसके चिक्स, बच्चे हैं, ठीक है? अ हैन ले एग्स, मुर्गी अंडे देती है, चिक्स कम आउट ऑफ दोज एग्स, फिर उसके जो चिक्स होते हैं वो अंडे में से बाहर आते हैं. डू किटन्स कम आउट ऑफ एग्स, क्या इसी तरह बिल्ली के भी बच्चे अंडे में से बाहर आते हैं क्या? नहीं, बिल्ली के बच्चे ही पैदा होते हैं, है क्या? नहीं. और मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है. द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, अ किड एंड अ फुली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. अभी बच्चे और बड़े जो बकरी में है, ये बच्चा है बकरी का, ठीक है? ये बड़ी बकरी उसकी मम्मी है, लेकिन ये लोग दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं हम लोग को. हाँ, तो ये लोग एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, अलग नहीं दिखते. देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड एन एडल्ट कैट. अभी इस बिल्ली में भी और उसके बच्चे में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो बच्चा है और वो बड़ी है. These babies grow in their mother's tummy and are born from the mother's tummy. और ये जो बच्चे हैं, मम्मी की टमी में ही बड़े होते हैं और फिर मम्मी के टमी में ही बड़े होने के बाद ये बाहर आते हैं, पैदा होते हैं. These animals do not lay eggs. और ये अंडे नहीं देते. बकरी का अंडा देखा है क्या तुम लोगों ने कभी? बिल्ली का अंडा देखा है क्या तुम लोगों ने कभी? नहीं ना. क्यों नहीं देखा फिर? क्यों? क्योंकि उनके पेट से बच्चे पैदा होते हैं, बेबीज पैदा होते हैं, वो अंडे नहीं देते. बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज यानी कौवे, स्पाइडर्स, लिजर्ड यानी छिपकली, पाल ले एग्स, ये लोग क्या करते हैं? अंडे देते हैं. A chicken is born from an egg. मुर्गी जो रहती है वो अंडे में से पैदा होती है. Ants, butterflies, fish, frogs, snakes are all animals that lay eggs. ये आप लोग को सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं, तो इनके आपको नाम लिखने पड़ेंगे या फिर राइट टू टू नेम्स में भी आ सकता है ये. But we do not often see their eggs. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग उनके अंडे देख ही पाए.
The eggs of some very small animals are very tiny. जो छोटे एनिमल होते हैं ना, जैसे चींटी है, कितनी छोटी रहती है वो चींटी, फिर उसके अंडे हम लोग को कहाँ दिखाई देने वाले हैं, तो हम लोग उसको देख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे होते, टाइनी यानी बहुत छोटे. वी वुड हार्डली नोटिस देम, मुश्किल से बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग देख पाएंगे चींटी के मूंगी के अंडे. सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स. इसके लिए हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये लोग कभी अंडे देते हैं और कभी इसमें से बच्चे बाहर आ जाते हैं. बट वी नो फॉर श्योर दैट अ हैन लेज एग्स. लेकिन हम लोग को ये पक्का पता है कि मुर्गी अंडे देती है. हर एग्स आर बिग इनफ टू बी ईजीली सीन. क्यों हम लोग को पता है कि मुर्गी अंडा देती है और हम लोग देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग खाते हैं अंडे, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग अंडे खाते हैं, और मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि हम लोगों को वो आसानी से दिखाई देते हैं. लेकिन जो छोटी सी मुर्गी रहेगी तो उसके अंडे हम लोगों को दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. और ये जो है अ न्यू टर्म हैच. When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. अभी जब मुर्गी अंडा देती है तो वो अंडे को वो क्या करती है, हैच करती है, उसको गर्माहट देती है, गर्मी देती है. उसे कहते हैं मुर्गी अंडे पे बैठती है और वो अंडे को वार्म करती है, गर्म करती है, उसके बाद उसमें से बच्चे बाहर आते हैं. ठीक है, ये नया वर्ड है आपके लिए, हैच करना. अ हैन लेज एग्स, मुर्गी अंडा देती है. वार्म्थ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग. अभी इन अंडों को इसको वार्म करना बहुत जरूरी है, तभी ही वो बच्चे अंदर तैयार होंगे. So after laying them, अंडे डालने के बाद the hen sits on the eggs to keep them warm. फिर वो अंडों पर बैठ जाती है और उनको गर्म करती है. The chicks inside slowly keep growing. और अंडे के अंदर वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं. When its growth is complete, जब उनका growth पूरा हो जाता है, अच्छे से वो बढ़ जाते हैं, the chicks breaks the eggshell and comes out. फिर पूरा तैयार हो जाने के बाद ये जो chicks है, मुर्गी के बच्चे, वो अंडा तोड़ देते हैं, अंडा तोड़ के उसमें से बाहर आ जाते हैं. The hen looks after its chicks till they grow a little bigger. और वो बच्चे थोड़े बड़े होने तक ये जो hen है उनका ख्याल रखती है. नहीं तो फिर उन लोगों को डॉगी खा जाते हैं, बिल्लियाँ खा जाती है, इसके लिए उसको भी ध्यान रखना पड़ता है उसके बच्चों के ऊपर. Do you know, क्या आप जानते हो, when a hen is hatching her eggs, जब मुर्गी अंडे हैच करती है, अंडे को वार्म करती है, शी बिकम्स एग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी. तो वो क्या हो जाती है, बहुत गुस्सेल हो जाती है. कौन? हैन. जब वो अंडों पर बैठती है, क्यों उसको एग्रेसिव हो जाती है, वो डर के मारे उसके अंडे को कोई कुछ न कर दे, इस डर के मारे वो एग्रेसिव हो जाती है. शी अटैक्स एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स. जो भी उन अंडों के नज़दीक जाने की कोशिश करता है उनके ऊपर वो हमला करती है, अटैक करती है, त्यांच्यावर हल्ले करते, आक्रमण करते. और ये सवाल एग्जाम में 100% पूछा जाता है. ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लो. यूज योर ब्रेन पावर. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द हैन एंड हर
चीक्स, क्या सिमिलैरिटीज है हेन में और चिक में? उनको बीक है, फेदर्स है, दो पैर है, ये उनकी सिमिलैरिटीज है। अभी मेटापोरफोसिस, देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड। अभी बकरे में और उसके बच्चे में सिमिलैरिटीज है, समानता है। एंड बिटवीन अ हैन एंड हर चिक, मुर्गी में और मुर्गी के बच्चों में भी सिमिलैरिटी है। हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। लेकिन ये जो कैटरपिलर है और ये जो बटरफ्लाई है, ये बहुत ही डिफरेंट है ना। देखो ये कैसे दिखता है और ये कैसे दिखता है। Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. तो इसे ही कहते हैं metamorphosis. जो भी animal है उसका बचपन उसके एडल्टहुड से बहुत ही डिफरेंट है, इसी चेंज को कहते हैं, ये जो इनमें चेंजेस होते हैं इस चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब ये दूसरे बच्चे का बुक है, इसके लिए मैं कुछ लिख के नहीं दे रही हूँ ना, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि मैंने बच्चे को पूछा नहीं है कि चलता है क्या नहीं उसके स्कूल में। ठीक है, अभी मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो बटरफ्लाई के बारे में पढ़ाई करेंगे। बटरफ्लाइज मीन्स फुलपाखरू, बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट, दे लिव देयर लाइफ अमॉन्ग प्लांट्स। हम लोगों ने देखे है ना बटरफ्लाइज कितने अलग अलग कलर्स के होते हैं, कितने ब्यूटीफुल होते हैं और वो लोग प्लांट्स के ऊपर घूमते रहते हैं। As butterflies grow, they pass through four stages. Very important. अभी जब butterflies बड़े होते हैं तो उनको चार स्टेज में से बाहर जाना पड़ता है। There are, वो क्या है? First है egg, यानी अंडा। Second है larva, उसमें से कीड़ा बाहर आता है। उसके बाद pupa and adult. The adult stage is called butterfly. और ये जो adult stage है इसे कहते हैं butterfly. The plain tiger butterfly is a very common. अभी ये जो tiger butterfly है हम लोग को normally दिखाई देते हैं। Let us take its example to see how the growth of a butterfly टेक्स प्लेस। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो बटरफ्लाइज है इन लोगों का जो ग्रोथ होता है वो किस तरह से होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बटरफ्लाई का ईच एंड एवरी सेंटेंस, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको और समझिए। एक बार नहीं समझना, चार पांच बार देखिएगा वीडियो, लेकिन एक बार ये लेसन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। The female plain tiger butterfly lays an egg on a milkweed, यानी रुई के पत्तों पर, कापूस का जो पत्ता होता है उसके ऊपर वो अंडे देती है। कौन? फीमेल बटरफ्लाई, उसे टाइगर बटरफ्लाई का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, द 6 to 8 days द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग। अभी ये जो अंडा है उसमें से लार्वा को बाहर आने में कम 6 to 8 days लगते हैं, 6 से 8 दिन लगते हैं। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, फिर वो अंडे में से बाहर आती है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, एग्जाम में ये सवाल पूछेंगे आपको। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. जैसे ही ये caterpillar अंडे में से बाहर आता है वो बहुत ही भूखा रहता है। It begins to nibble and eat the very leaf
on which it emerges from the eggs. फिर वो क्या करने लगता है, ये जो रुई का जो पत्ता होता है उसको खाने लगता है. इट ईट्स वेरी फास्ट, वो बहुत फटाफट खाता है. सो इट्स ग्रोथ इज वेरी रैपिड, तो जैसे जैसे खाते जाता है वैसे वैसे उसका ग्रोथ होते जाता है, उसकी बॉडी बढ़ते जाती है. अ न्यू टर्म मोल्ट, मोल्ट ये नया वर्ड है आपके लिए. टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ, यानी पुराना स्किन छोड़ देना और नया स्किन ग्रो करना, इसे कहते हैं मोल्ट. ठीक है. द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रो सो रैपिडली इन द फर्स्ट टू और थ्री डेज दैट इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनी मोर. तो जिस तरह से यह कैटरपिलर बढ़ते जाता है रैपिडली, फिर क्या हो गया ना, ये जो स्किन है उसका, ये स्किन कम पड़ने लगा उसको और उसका बॉडी जो है वो बढ़ रहा है. तो अभी वो क्या करेगा, वो स्किन के अंदर वो फिट नहीं हो रहा है. बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म्ड ऑन अ ग्रोविंग कैटरपिलर. तो ये जो कैटरपिलर है इसके अंदर एक नया स्किन आया हुआ रहता है. देन द कैटरपिलर सी शेड्स द ओल्ड स्किन दैट इज इट मोल्ड. तो क्या वो करता है, वो ये जो पुराना स्किन है उसको निकाल देता है, वो चमड़ा पूरा ऊपर का वो निकाल देता है और वो जो नीचे अंदर उसका नया स्किन आया है वो उसमें रहता है. इसी सिस्टम को कहते हैं मोल्ड्स. ठीक है, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन इट बिगिन्स टू गॉबल अप द लीफ एंड कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली. फिर वो क्या करता है, फिर वो पत्ता खाने को चालू कर देता है. जैसे ही वो स्किन, पुराना वाला स्किन छोड़ दिया उसने और जैसे ही उसको नया स्किन मिला, लेकिन उसको भूखी लगती रहती है इतनी, तो वो फिर से पत्ता खाने का चालू कर देता है. इन टू और थ्री डेज इट मोल्ड्स अ सेकेंड टाइम. फिर दो तीन दिन में फिर सेम प्रोसेस होता है. फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका स्किन बहुत छोटा हो जाता है. फिर वो क्या करता है, वो जो पुराना स्किन है उसको निकाल देता है और जो अंदर नया स्किन आया रहता है वो उसमें फिर रहता है. इन दिस वे इट मोल्ड्स फोर टाइम. इस तरह से वो जो ये जो प्रोसेस है चार बार होता है. इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days. और इस तरह से ये प्रोसेस होने का, जो कैटरपिलर का जो स्टेज है उसमें से बाहर निकलने के लिए उसको 10 to 12 days लगते हैं. जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ट द कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड ऑन अ स्टॉक और अ लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट. अभी ये जो कैटरपिलर है इसने क्या किया, इसने अपने आजू बाजू में एक ये वीव किया, बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड, धागे के जैसा उसने अपने आजू बाजू में वीव किया और उसको एक डाली को उसको टंगा हुआ ही है वो. ठीक है. When it molts, this time it forms a pupa. अभी इस समय में इसके अंदर जो भी molds होते हैं, changes होते हैं, उसे कहते हैं pupa, which is the next stage of its growth. और ये जो है उसका growth का next stage है. The pupa of the butterfly is also called chrysalis. देखो इसको भी, इसे ही क्रिसलिस भी कहते हैं. ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, या फिर आंसर इन वन सेंटेंस में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में. ठीक है. नाउ
it remains inside the chrysalis for the next 11 or 12 days. फिर इस क्रिसिस के अंदर ये जो बटरफ्लाई है वो कितने दिन तक रहने वाला है? 11 और 12 डेज तक रहने वाला है. इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज. और इस स्टेज में एक बार वो अंदर चला गया तो उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा 10-11 दिन, ठीक है, या फिर 11-12 दिन. The growth, it does not eat anything during this stage. However, inside the chrysalis, important changes take place in its body. ये chrysalis के अंदर, उसके body के अंदर बहुत सारे important changes होते हैं. The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis. फिर ये जो plain tiger butterfly है उसका growth इस chrysalis के अंदर पूरी तरह हो जाता है. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. फिर उसके बाद में उसके अंदर से एक पूरा तैयार हो गया हुआ बटरफ्लाई बाहर निकलता है. देन द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसलिस. इट नाउ हैज 4 अट्रैक्टिव विंग्स. अभी उसे 4 अट्रैक्टिव विंग्स है, पंख है, एंड 6 लॉन्ग लेग्स और 6 लंबे पैर है. ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दीज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. दुनिया में जितने भी बटरफ्लाइज हैं, एडल्ट बटरफ्लाइज हैं, उन लोगों को इन्हीं स्टेज में से बाहर जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो बटरफ्लाई बनते हैं. डू यू नो फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन व्होज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग्स इज फिक्स्ड. अभी जो भी बटरफ्लाई है, वो जो फीमेल बटरफ्लाई जो अंडे देती है, तो उनके पत्ते फिक्स रहते हैं. क्यों फिक्स रहते हैं? क्योंकि जब बच्चा अंडे में से बाहर आएगा तो वो पत्ता ही खा के जिंदा रहने वाला है. इसके लिए माँ उसी पत्ते पे अंडे देती है. द टाइम द लार्वा टेक टू इमर्ज फ्रॉम द एग्स इज डिफरेंट फॉर different types of butterflies. और अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज के लार्वास अलग अलग होते हैं. There is great variety of caterpillars. दुनिया में बहुत तरह के caterpillars हम लोग को दिखाई देते हैं. Different types of caterpillars are of different colors. अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कलर्स के caterpillars हम लोगों को देखने मिलते हैं. Their body is long. उनकी body long रहती है, लंबी रहती है. Many types of caterpillars are hairy. और कुछ caterpillars होते हैं उनके body के ऊपर बाल होते हैं. Hairy होना यानि बाल वाले caterpillar होना, ठीक है. ये देखो, इधर है अलग अलग टाइप के butterflies, अलग अलग कलर के butterflies आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं. तो जितने अलग टाइप के बटरफ्लाइज रहेंगे, वेरियस बटरफ्लाइज, वैसे ही कलर कलर के कैटरपिलर्स आपको देखने मिलेंगे. डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन्ड द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स. जब हम लोग अनाज खरीदी करते हैं फिर उनको हम लोग बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, डब्बे में भर के रखते हैं ना. इवन देन When we open the box after some days, we may see some insect in it. और थोड़े दिनों के बाद जब हम लोग वो बॉक्स खोलते हैं तो हम लोग को उस अनाज के अंदर कुछ कीड़े दिखाई देते हैं. There can be insects in the grain stored or in places like warehouses, in the grocer's shop or even in our homes. अभी
कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो उस इसमें अंडे डाल के रखे हुए रहते हैं, और जब हम लोग डब्बा बंद कर देते हैं तो उनके ऊपर वो सब प्रोसेस हो जाता है और वो बढ़ जाते हैं कीड़े, फिर वो अंडे में से बाहर आते हैं, फिर हम लोगों को कीड़े दिखाई देते हैं। नाउ इफ अ फीमेल इंसेक्ट लेज एग्स इन दिस ग्रेन वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज। अभी वो इतने छोटे रहते हैं अंडे के हम लोग को दिखाई ही नहीं देते अनाज में। द वार्मथ एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर्ड इज इनफ फॉर देम टू ग्रो। जब हम लोग डब्बा बंद कर देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, अंदर उनको वार्म मिलता है, फिर उसमें से अंडे में से वो जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे धान में कीड़े हो गए हैं, लेकिन वो कीड़े कहाँ से होते हैं, धान में ऑलरेडी होते हैं अंडे, और वो अंडों में से फिर कीड़े बाहर आते हैं। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इनसाइड द बॉक्स, फिर वो इनसाइड द बॉक्स के अंदर ही वो बढ़ते रहते हैं। दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, इनके भी स्टेजेस सेम है ग्रोथ के, नेमली एग, लार्वा, पूपा एंड एडल्ट। वैन वी ओपन द बॉक्स वी सी द इंसेक्ट्स इन द ग्रेन एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन विच दे आर। फिर हम लोग जब डब्बा खोलते हैं तो वो जिस शेप में हम लोग को दिखाई देते हैं वो उनके स्टेजेस होते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना उसमें से वो उड़ने वाले कीड़े भी आ जाते हैं बाहर, तो हम लोग बता रहे अरे इसमें कैसे ऐसे आ गया, ये कैसे अंदर बढ़ गया, ऐसा हम लोग को लगता है। तो अभी आप लोग को पता चला ना वो किस तरह से अनाज में अंडे रहते हैं और उसमें से कीड़े बाहर आते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं अनाज में कीड़े हो गए, ऐसे बोलते हैं हम लोग। व्हाट वी हैव लर्न्ड, हम लोगों ने क्या सीखा। अ हैन सीड्स ऑन हर एग्स टू हैच देम, के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है। द फुल्ली ग्रोन चिक ब्रेक्स द एग शेल एंड कम्स आउट, फिर अंडे में बच्चे बड़े हो जाने के बाद अंडा तोड़ देते हैं और अंडे में से बाहर आते हैं। एग कैटरपिलर मीन्स लार्वा, क्रिसलिस मीन्स पूपा एंड एडल्ट आर द फोर स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पूरा इम्पॉर्टेंट ही है, आप लोग बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना इन सब पॉइंट्स को। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ अ मिल्कवीड प्लांट, द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर। जब बटरफ्लाई के अंडे में से लार्वा बाहर आती है तो वो कैटरपिलर कहलाती है। When the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage, during which it lives inside the chrysalis. और उसके बाद में ये जो caterpillar की जो stages complete करने के बाद वो इसमें chrysalis में ही रहती है। The adult butterfly emerges from the chrysalis. It has 6 long legs and 4 attractive विंग्स। जब भी वो बटरफ्लाई पूरी तरह से बाहर आता है क्रिसलिस में से, तब उसके ब्यूटीफुल दो पंख होते हैं और उसको 6 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट को 6 लेग्स होते हैं ना, पता है ना आप लोग को, तो ये भी इंसेक्ट ही है। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर बटरफ्लाइज आर अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। बटरफ्लाइज जो है ये भी हमारे एनवायरमेंट में का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाइज जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाइड विथ अ स्ट्रिंग। तो हमें उन लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए और उन्हें बांध कर धागे से नहीं रखना चाहिए। मैंने देखा है ना बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो बेचारे वो बटरफ्लाइज के पीछे ही पड़ जाते हैं पकड़ने के लिए, फिर उनको पकड़ते हैं बॉटल में भर के रखते हैं या फिर उनके पैर में धागा बांध के रखते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं तुम लोग, ऐसा मत किया करो, बहुत वो पाप जीव है। देखो उसके स्टेजेस कितने डिफिकल्ट है उसको पैदा होने के लिए, फिर उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत कम होती है इनकी लाइफ।
तो ऐसे में अगर हम लोग उनको इस तरह से टॉर्चर करेंगे तो कितना बड़ा ये गुनाह है, कितना बड़ा ये पाप है। इसके लिए कभी भी किसी भी जीव को हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। एक्सरसाइजेस ए, थिंक एंड टेल, सोचो और जवाब दो। वन, इट टेक्स 20 to 22 डेज फॉर अ चिक टू इमर्ज फ्रॉम अ हेन्स लेग्स। अभी मुर्गी के बच्चों को अंडों में से बाहर आने के लिए 20 to 22 डेज लगते हैं। वुड द यंग बर्ड्स ऑफ अदर बर्ड्स ऑल्सो टेक द सेम नंबर ऑफ डेज टू हैच। तो जो दूसरे बर्ड्स है उनके बच्चों को भी हैच करने के लिए उनको 20 to 22 डेज ही लगते होंगे क्या? नहीं, उनके जो टाइमिंग्स है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसके लिए इसका आंसर है नो। टू, यू मस्ट हैव सीन बटरफ्लाइज होवर ओवर ग्रास। जब भी आप लोगों ने देखा रहेगा, सॉरी, ड्रैगन फ्लाई को ग्रास के ऊपर उड़ते हुए देखा है ना आप लोगों ने, ये देखो ये है ड्रैगन फ्लाई। विच स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज दिस? द एग, लार्वा, पूपा और एडल्ट। तो ये इसका कौन सा स्टेज है? ये पूरी तरह से तैयार हो गया है, इसके लिए ये एडल्ट स्टेज में है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये पूरी तरह से तैयार हो गया है? क्यों? क्योंकि उसके जो पंख है वो बाहर है, उसके पैर है, हम लोग को उसका बॉडी का शेप पूरा कंप्लीट दिखाई देता है, ठीक है। थ्री, व्हेन यू टेक अ बंच ऑफ अ लीफी वेजिटेबल्स टू सॉर्ट इट। जब हम लोग सब्जी खरीदते हैं पत्तियों वाली, जैसे है पालक है, मेथी है, तो हम लोगों ने क्या देखते हैं उन पत्तों पर? यू मे फाइंड होल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द लीव्स। हम लोग देखते हैं ना पत्तों के ऊपर अलग अलग तरह के होल्स रहते हैं, खड्डे रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, फटे हुए रहते हैं पत्ते। अगर नहीं देखा रहेगा ना तो मम्मी जब सब्जी लाएगी ना तभी आप लोग जरूर देखना, वो पत्तों में आप लोग को इस तरह के होल्स और खड्डे जरूर दिखाई देंगे। सम लीव्स में हैव बीन निबल्ड एट द एजेस। और कुछ पत्ते जो होते हैं उनको कॉर्नर में से खाया हुआ रहता है। What do you think is the reason for that? क्या वजह हो सकती है इसकी? तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो इंसेक्ट होते हैं वो पत्तों पर अंडे देते हैं, फिर अंडों में से बाहर आने के बाद उसमें का जो लार्वा रहता है वो उस पत्तों को खाता है, ठीक है। तो लार्वा ईट्स द लीफ, ठीक है। तो उसका कौन सा साइज है, वो किसका अंडा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि पत्तों पर कितने होल्स होते हैं। फोर, व्हेन यू शेल पीस, जब हम लोग मटर छीलते हैं, यू समटाइम्स सी टाइनी ग्रीन लिविंग थिंग्स इनसाइड द पॉड। तो कभी कभी देखो मम्मी चिल्लाती है जोर से, कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया। तो क्या होते हैं वो मटर के अंदर ग्रीन कलर के हम लोग को कीड़े दिखाई देते हैं ना। तो विच ऑफ द फोर स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट आर दे? ये जो फोर स्टेजेस है कौन से है? फोर स्टेजेस, एग, लार्वा, पूपा और एडल्ट। तो ये जो मटर में से जो कीड़ा निकलता है तो उसका कौन सा स्टेज होगा? लार्वा, आई थिंक लार्वा ही होगा, फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म कर लो। बी, आंसर इन ब्रीफ, आपको आंसर ब्रीफ में लिखना है, डिटेल में लिखना है। वन, व्हाई मस्ट द हैन सीट ऑन हर एग्स? तो ये जो मुर्गी होती है वो उसके अंडों पर बहुत देर तक क्यों बैठती है? तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है यहां पर पेज नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा देखो, अ हैन ले एग्स, वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग, सो आफ्टर लेइंग देम द हैन सीट्स ऑन
the eggs to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. ठीक है, तभी ही वो बच्चे बाहर आ सकते हैं. पूरा ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद फिर वो बच्चे बाहर आते हैं. ये है उसका आंसर. ठीक है. टू, व्हाई डज अ हैन बिकम एग्रेसिव व्हेन शी इज हैचिंग हर एग्स. जब मुर्गी अंडों पर बैठी हुई रहती है उन्हें हैच करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, आक्रामक, अटैकिंग क्यों हो जाती है. तो इसका आंसर है, पेज नंबर टू पर ही है. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ हैन इज हैचिंग हर एग्स शी बिकम एग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी. किसकी? अंडों की सेफ्टी के डर से. शी अटैक्स एनी वन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स. उनको, उसको क्या लगता है कि ये लोग मेरे बच्चे अंडे को लेने के लिए आए हैं, इसलिए वो किसी को भी अंडे के पास आने नहीं देती. थ्री, विच आर द फोर स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के चार स्टेज कौन से हैं? तो पेज नंबर थ्री के ऊपर है इसका आंसर. देखो, एज बटरफ्लाइज ग्रोज दे पास थ्रू फोर स्टेजेस. दीज आर एग, लार्वा, पूपा एंड एडल्ट. ठीक है, द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई. ये लास्ट स्टेज है उसका. ये है उसका आंसर. ठीक है. फोर, विच चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड द क्रिसलिस ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई. अभी जब ये टाइगर बटरफ्लाई क्रिसलिस के अंदर होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? पेज नंबर फोर पर है इसका आंसर. देखो, इनसाइड द क्रिसलिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज. हाउएवर, इनसाइड द क्रिसलिस इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी. द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्रिसलिस. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has four attractive wings and six long legs. ठीक है, ये है इसका आंसर. C, true or false. True यानि सही, false यानि गलत. ठीक है, तो ये इन्होंने सेंटेंस दिए है, वो सही है या गलत है, true है या false है, आपको बताने हैं. One, a lamb emerges from an egg. अभी ये जो lamb होता है ना, बकरी का बच्चा, वो अंडे में से बाहर आता है. सही है क्या गलत है? गलत है. बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, बकरी अंडा देती है क्या? नहीं, डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है. तो इसके लिए ये सेंटेंस फॉल्स है, गलत है. टू, we cannot easily see the eggs of an ant because they are very tiny. हम लोग मुंगी के अंडों को आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं. तो ये जवाब है true. सही है ना, हम लोग को कहाँ पता चलता है मुंगी ने कभी अंडे दिए करके. Three, when the caterpillar emerges from the egg, it is not very hungry. अभी जब caterpillar अंडे में से बाहर आता है, तो वो भूखा होता है या नहीं होता? Hungry होता है क्या नहीं होता है? Hungry होता है, बहुत ज़्यादा hungry होता है वो. इसके लिए वो पूरा पत्ता खा जाता है. तो ये जो sentence है, ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? It is not very hungry लिखा है. अगर it is hungry होता तो सही होता, not very hungry है तो गलत है. ठीक है. Now D, fill in the blanks. One, the female butterfly lays eggs on the leaves of a plant. किस पर पत्ते पैदा अंडे देती है female butterfly? पत्तों के ऊपर अंडा देती है, पेड़ के पत्तों के ऊपर अंडे देती है. टू, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ
कैटरपिलर, बराबर है? ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को अच्छे से ये लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को पूरा लेसन अभी समझ में आ गया है। और जो बच्चे मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, क्योंकि आपको जो मेरे नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका अपलोडिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने स्कूल के फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी बताओ, ताकि आप लोगों की जैसे उन्हें भी सारे लेसन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अभी जो पेपर्स आएंगे आपको एग्ज़ाम में, वो लेसन्स में से ही सवाल आएंगे, आप लोग को एक्सरसाइज में से सवाल नहीं आने वाले हैं। इसके लिए आप लोग लेसन्स रीड किया कीजिए। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।